एक बच्चा जो चाहकर भी अपने घर में नहीं रह पाया, कश्मीर में नहीं रह पाया, बड़ा हुआ तो दूसरे बच्चों ने उसे परेशान किया, मारपीट की उसके साथ, गालियां दी उसे, पेरेंट्स अपनी सेविंग में से, गुल्लक में से बहुत मुश्किल से उसकी फीस दे पाते थे आखिरी दिन तक। वो स्कूल से आता था रोते हुए, लेकिन अपनी मदर को देखकर वो अपने आंसू पूछ लेता था कि उसके पेरेंट्स को पता ना चले कि उसके साथ स्कूल में क्या हो रहा है। वो बच्चा जिसे सब डरा कर धमका कर रखते थे, वो बच्चा जो सबसे संस्कारी हुआ करता था, वो बच्चा जिसके लिए उसका स्कूल ही नरक बन गया था, आज वो ही बच्चा लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर रहा है, एक अनसेंसर्ड शो को भी सेंसर्ड कर दे रहा है, लोगों के करियर बना दे रहा है, चेस को पूरे इंडिया की यूथ में फैला रहा है। सो या, ये है स्टोरी डार्क कॉमेडी के किंग कहलाए जाने वाले समय रैना की। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू क्राई इन द बस एंड व्हेन आई यूज्ड टू कम डाउन माय मॉम वुड बी स्टैंडिंग देयर एंड आई कुड नॉट टेल हर बिकॉज़ आई हैव सीन हाउ दे हैव पुट मी टू द स्कूल। तो मैं एकदम आंसू पोंछ के, मम्मी यार कैसा दिन था, क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया, आज तो बेस्ट दिन था एकदम, इट वॉज लाइक दैट। सो That somehow kind of helped me, maybe. तो मैं आंध्र प्रदेश में बड़ा हुआ था और फिर वो तेलंगाना में शिफ्ट हो गया था, और तेलंगाना में शिफ्ट होने का तो उसके पेरेंट्स ने उसको एक प्रेस्टीज स्कूल में पढ़ाने का सोचा, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए उस स्कूल की एडमिशन फीस भरना भी बहुत मुश्किल पड़ा था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था कि वो पूरे घर में पैसे ढूंढ रहे हैं, अलमारियों में से ढूंढ रहे हैं, गुल्लकों को तोड़ रहे हैं उसकी एडमिशन फीस कलेक्ट करने के लिए, वो भी बस इसलिए बिकॉज उसके फादर जो है पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि जो भी कश्मीर में वो सब हुआ था, तो इसलिए समय के फादर चाहते थे कि समय जरूर पढ़े, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया समय की स्कूल की फीस भरने के लिए। तो समय फिर उस स्कूल में जाना शुरू कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि समय जो है बहुत क्यूट सा, शाय सा, संस्कारी किड हुआ करता था, लेकिन जब वो इस स्कूल में गया तो उसने देखे अमीर बच्चे, बिगड़े हुए बच्चे जो स्मोक करते थे, गालियां देते थे। तो समय जाता है इस स्कूल में और समय का पहला दिन ही बहुत बुरा जाता है। तो समय जब अपनी क्लास में जाता है तो वो एक बच्चे के बराबर में जाके बैठ जाता है, और फिर वो बच्चा समय को देखता है और सीधा कहता है तेरी मां की जो। एंड समय वाज लाइक क्या, क्यों, क्या हुआ ये, क्योंकि वो तो बेचारा बहुत संस्कारी था। और फिर उस दिन से उस बच्चे ने पता नहीं क्यों बेफालतू में समय को बहुत 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 बुरी तरह ट्रीट करता रहा। जब भी वो समय से मिलता उसको बुली करता, उसको गालियां देता, और आज हम इसको लाइटली ले रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे समय के लिए ये बहुत डरावना था। वो जब भी उस इंसान को देखता था वो भागने लग जाता था। फिर एक दिन समय जो है उस बच्चे के आगे बैठा हुआ था, और टीचर क्लास में थी, लेकिन वो जो है बोर्ड पे कुछ लिख रही थी, तो टीचर बोर्ड की तरफ देख रही थी, और तभी वो शरारती बच्चा पीछे से समय के कंधे पे स्केल मार देता है लोहे वाला, और जब वो पीछे देखता है तो वो बच्चा हंस रहा था। तो समय फिर जैसे ही टीचर को कंप्लेन करने के लिए उठता है, वो कुछ बोल ही पाता, उससे पहले वो जो शरारती बच्चा था वो उठ के खड़ा होकर ये बोल देता है कि मैम समय ने उसको मारा स्केल से। और ये देख के समय बिल्कुल हिल गया था, बिकॉज उसको नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। और फिर वो मैम समय को कहने लग गई, और फिर समय मैम से कहने लगे कि मैम मैंने नहीं करा, इसने करा था। वो बच्चा भी कह रहा था कि मैम मैंने नहीं करा, इसने करा था। और ये सब देख के समय की मैम जो है उन दोनों को एक काउंसलर के यहाँ भेज देती है, और ये इंसिडेंट ने समय का माइंड बिल्कुल बदल दिया था। और फिर वो दोनों काउंसलर के यहाँ जा रहे होते हैं, और रास्ते में चलते चलते समय सोच रहा होता है कि वो काउंसलर को जाते ही सब कुछ बता देगा, उसको निशान दिखा देगा कि मैम देखो ये मेरे इसने स्केल मारा है। और वो पूरा ये सब सोच रहा होता है कि वो हर चीज बता देगा इसने आज तक जो भी उसके साथ करी है। लेकिन जैसे ही वो काउंसलर के पास जाता है वो शरारती बच्चा रोने लग जाता है, और उस शरारती बच्चे ने काउंसलर को दिखाया कि मैम देखो ये मेरे स्कार लगा हुआ है, ये समय ने स्केल मारा है मेरे। और समय को पता भी नहीं था कि वो स्कार कहां से आया, उसने शायद खुद मार लिया अपने या पता नहीं क्या। और ये देख के समय बिल्कुल हिल गया था कि ये क्या टाइप का मैनिपुलेटर है, वो भी सिर्फ 7th क्लास में। और फिर समय भी रोने लग गया, और फिर मैम ने बस वही करवाया कि हैंडशेक करो, फ्रेंडशिप करो और जाओ। और जब वो दोनों बाहर आए तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और वो बच्चा समय को देख के हंसने लग गया और भाग गया। और समय बिल्कुल सरप्राइज था कि भाई इस बच्चे ने ये सारा पुल ऑफ कैसे करा। खैर इसके बाद भी वो बच्चा समय को बहुत बुरी तरह बुली करता रहता था, वो भी बस इसलिए क्योंकि समय को उनकी लैंग्वेज नहीं पता थी। तो फिर समय ने उनकी लैंग्वेज सीखी तेलुगु, वो भी 3 साल में प्रॉपरली सीखी, लिखना विखना सब कुछ सीखा उसने, ये सोचकर कि अगर समय को उनकी लैंग्वेज आएगी तो शायद वो समय को अच्छे से ट्रीट करेंगे। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, और उल्टा अब तो समय को समझ में भी आ रहा था कि वो लोग ग्रुप में समय के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर यही सब चलता रहा, वो समय का मजाक उड़ाते रहते थे, और फिर समय ने बस गिव अप कर दिया, और वो भी उनके साथ खुद पे ही हंसने लग गया। और ऑलमोस्ट हर दिन जो है समय बस में रोता था, लेकिन जब वो बस से उतरता था तो अपनी मदर को देख के वो अपने आंसू पूछ लेता था कि उनकी मदर को पता ना चले कि समय के साथ स्कूल में क्या हो रहा है, क्योंकि समय ने देखा है कि उसके पेरेंट्स ने समय को कैसे उस स्कूल में डाला था। एंड देन आई स्टार्ट लाफिंग व्हेनेवर दे यूज्ड टू बुली मी, आई स्टार्ट प्लेइंग अलोंग टू शो दैट आई एम कूल, बट इनसाइड आई यूज्ड टू फील फक्ड। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू क्राई इन द बस एंड व्हेन आई यूज्ड टू कम डाउन माय मॉम वुड बी स्टैंडिंग देयर। तो मैं एकदम आंसू पोंछ के, मम्मी यार कैसा रहा दिन, मैंने कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया, आज तो बेस्ट दिन। और फिर ऐसे ही करते हुए समय की 7th, 8th, 9th, 10th ये चारों की चारों क्लासेस बहुत बुरी तरह गुजरी, और वो छुट्टियां भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल किया। लेकिन समय अपने फादर को कभी नहीं बता पाता था कि उसके साथ स्कूल में बुलिंग हो रही है, क्योंकि अगर वो बता देता तो उसके फादर स्कूल में जाते और कंप्लेन करते, और फिर वो बच्चे समय को और भी ज्यादा मजाक उड़ाते, फिर वो बच्चे उसको फट्टू बुलाते कि पेरेंट को बुला के ले आएगा और ये सब। और समय की बुलिंग की वजह से समय अपने दोस्त भी नहीं बना पाया, बिकॉज समय जो
किसी से भी ओपन अप होने में बहुत डरता था, बिकॉज भाई उसने जो कोई दोस्त बनाया और फिर लंच में उन बुलीज ने समय को पीट दिया उसके दोस्त के सामने, तो क्या इज्जत रह जाएगी समय की। तो समय ने दोस्त ऐसे बनाए कि वो जो अपने 2 साल जूनियर से बातचीत करता था जब भी लंच वंच होता था, गेम पीरियड होता था, और उनको जोक सुनाता था, और जोक्स वो लाता था बुक्स से, जो पुरानी पुरानी बुक्स होती है वहां से याद करके आता था वो स्कूल में, गूगल से लाता था, गूगल पे टाइप करता था फनी जोक्स, वहां से वो याद करके सिर्फ सुनाने के लिए याद करता था। और ऐसे उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है सिर्फ जोक्स याद करने के लिए, और फिर उन छोटे बच्चों को सुनाता था कि भाई सुन ये जोक सुन। वो बच्चे आपस में डिस्कस करते थे कि भाई ये बहुत बढ़िया जोक सुनाता है, भाई भैया एक जोक सुनाओ, ऐसे करके उसने अपने छोटे छोटे से दोस्त बनाए। और फिर ऐसे ही उसका जोक्स में इंटरेस्ट आया, क्योंकि भाई फनी बातें करके जोक्स करके सबसे बेस्ट तरीका होता है दूसरों को खोलना और अपने आप को खोलना दूसरों के सामने। और ऐसे करके उसने अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाए 9th to 10th के बीच में। समय 9th में हुआ करता था और वो लोग 7th में हुआ करते थे। और फिर समय की लाइफ चेंज हुई 11th क्लास से। 11th क्लास में एक लड़का था जो कि प्रॉपर रजत दलाल टाइप का था, कि उससे कोई पंगे मतलब ये तो मैं मार पीट के चुप बैठा देगा। तो उसका क्या शौक था कि उसे जो है फोटो क्लिक करना बड़ा पसंद था। वो 4-5 और बच्चों को पकड़ के एक बाइक पे जो है जंगलों में जाके फोटो वोटो खिंचवाता था, और फिर वो उन फोटोज को फेसबुक पे डालता था, वहां पे कमेंट्स आते थे कि भाई क्या फोटो है ये सब, और उस इंसान को इंग्लिश में कैप्शन डालने में भी बड़ा मजा आता था। तो एक दिन उस लड़के ने एक फोटो डाल लिखा था फेसबुक पे, जो फोटो समय ने देखा और उसने नोटिस किया कि इसके कैप्शन में इंग्लिश जो है थोड़ी सी रॉन्ग है। तो समय ने उस लड़के को टेक्स्ट वेक्स्ट करके बता दिया, और ये चीज उस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद आ गई। तो उसने समय से बोल दिया कि भाई तू मेरे घर ही आ जा अगले दिन। और फिर समय अगले दिन उसके घर जाता है। फिर वो लड़का समय को बहुत सारे फोटोज दिखाता और पूछता कि इसके लिए कुछ कैप्शन है, और फिर समय कुछ गूगल से जो है बताता है कुछ कैप्शन। और फिर उस लड़के ने बोला कि भाई तू आसे मेरा भाई है, किसी ने भी तेरे को कुछ बोला मेरे को बता, मैं बताऊंगा उसको, क्योंकि समय ने एक्चुअली उसकी काफी मदद करी थी। और फिर इस इंसिडेंट के बाद पूरी क्लास में सबको पता चलेगा कि समय को जो है रजत वाले लड़के का सपोर्ट है। और फिर इस रजत करेक्टर की वजह से अब समय खुला और अब उसको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई अब मैं खुद को एक्सप्रेस करूंगा। फिर उसने जो है डिबेट्स करी, हिंदी डिबेट्स करी, इंग्लिश डिबेट्स करी, वो कॉन्फिडेंट हो गया और समय बिल्कुल एक अलग ही पर्सन बन गया 11th में। और फिर इसके बाद जब 11th में उसका बढ़िया सब हो गया तो फिर उसके बाद वो कॉलेज में चला गया, और कॉलेज में जाने के बाद तो कोई उसे बुली कर ही नहीं पाया, बिकॉज कोई कुछ भी कहता समय को, समय ने ऑलरेडी वो सब सुन लिया था स्कूल में। और ऐसे ही खत्म हो जाती है समय की स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। सो यार, जो लोग हमें बाहर से खुश दिखते हैं वो लोग कभी कभी अंदर से डरे हुए होते हैं, खौफनाक होते हैं, उदास होते हैं, पागल होते हैं।